श्रीलक्ष्मी अस्तोत्रम नमः। अथ श्रीलक्ष्मी अस्तोत्रम। इंद्र उवाच, ओम नमः कमलवासिन्ये नारायणे नमो नमः, कृष्णप्रियाय साराय पद्माय च नमो नमः, पद्मपत्रेक्षणाय च पद्मास्याय नमो नमः, पद्मासनाय पद्मिन्ये वैष्णव्ये च नमो नमः। सर्वसंपत् स्वरूपाय सर्वदात्राय नमो नमः, सुखदाय मोक्षदाय सिद्धिदाय नमो नमः, हरिभक्ति प्रदात्राय च हर्षदात्राय नमो नमः, कृष्णवक्षः स्थिताय च कृष्णेशाय नमो नमः। कृष्णशोभास्वरूपाय रत्नपद्मे च शोभने, सम्पत्यधिष्ठातृदेव्यै महादेव्यै नमो नमः, सस्याधिष्ठातृदेव्यै च सस्याय च नमो नमः। नमो बुद्धिस्वरूपाय बुद्धिदाय नमो नमः, वैकुण्ठे या महालक्ष्मीर्लक्ष्मीः क्षीरोदसागरे स्वर्गलक्ष्मीरीन्द्रगेहे राजलक्ष्मीर्नेपालये गृहलक्ष्मीश्च गृहिणां गेहे च गृहदेवता सुरभिसागवां माता दक्षिणा यज्ञकामिनी अदितिर्देव माता त्वं कमला कमलालये स्वाहा त्वं च हविर्दाने कव्यदाने सुधा स्मृता त्वं हि विष्णुस्वरूपा च सर्वाधारा वसुंधरा शुद्धसत्त्वस्वरूपा त्वं नारायणपरायणा क्रोधहिंसा वर्जिता च वरदा च शुभानना परमार्थप्रदा त्वं च हरिदास्यप्रदा परा यया वीना जगत सर्वं भस्मीभूतं सारकं जीवनमृतं च विश्वं च शवतुल्यं यया वीना। सर्वेषां च परात्वं हि सर्वबान्धवरूपिणी यया विना न सम्भाष्यो बान्धवर्यबान्धवः सदा त्वया हीनो बन्धुहीनस्त्वया युक्तः स बान्धवः धर्ममर्थार्थ काममोक्षाणां त्वं च कारणरूपिणी यथा माता अस्तन्धानां शिशूनां शैशवे सदा तथा त्वं सर्वदा माता सर्वेषां सर्वरूपतः मातृहीनः अस्तन्त्यक्तः स चेज्जीवति दैवतः त्वया हीनो जनः को अपि न जीवत्येव निश्चितम्। प्रसन्न स्वरूपा त्वं मां प्रसन्ना भवाम्बिके वैरग्रस्तं च विषयं देहि मह्यं सनातनि। वयं यावत् त्वया हीना बन्धुहीनाश्च भिक्षुकाः सर्वसम्पद्विहीनाश्च तावदेव हरिप्रिये राज्यं देहि श्रियं देहि बलं देहि सुरेश्वरि कीर्तिं देहि धनं देहि यशो मह्यं च देहि वै कामं देहि मतिं देहि भोगान देहि हरिप्रिये ज्ञानं देहि च धर्मं च सर्वसौभाग्यमीप्सितं प्रभावं च प्रतापं च सर्वाधिकारमेव च जयं पराक्रमं युद्धे परमैश्वर्यमेव च फलश्रुतिः। इदम् अस्तोत्रं महापुण्यं त्रिसन्ध्यः यः पठेन्नरः कुबेरतुल्यः स भवेद् राजराजेश्वरो महान्। सिद्धस्तोत्रं यदि पठेत् सोऽपि कल्पतरुन्नरः पञ्चलक्षजपेनैव सस्तोत्रसिद्धिर्भवेन्नृणां। सिद्धिअस्तोत्रं यदि पठेन्नमासमेकं च संयतः महासुखी च राजेन्द्रो भविष्यति न संशयः। इति श्रीब्रह्मवैवर्त महापुराणे इन्द्रकृतं लक्ष्मीअस्तोत्रं सम्पूर्णम्। देवराज इंद्र बोले, भगवती कमलवासिनी को नमस्कार है, देवी नारायणी को बार बार नमस्कार है, संसार की सारभूता कृष्ण प्रिया भगवती पद्मा को अनेक शह नमस्कार है, कमल रत्न के समान नेत्र वाली कमल सुखी भगवती महालक्ष्मी को नमस्कार है, पद्मासना पद्मिनी एवं वैष्णवी नाम से प्रसिद्ध भगवती महालक्ष्मी को बार बार नमस्कार है, सर्वसंपत्त स्वरूपिणी सर्वदात्री देवी को नमस्कार है, सुखदायिनी मोक्षदायिनी तथा सिद्धिदायिनी देवी को बारंबार नमस्कार है, भगवान श्री हरि में भक्ति उत्पन्न करने वाली तथा हर्ष प्रदान करने में परम कुशल देवी को बार बार नमस्कार है, भगवान श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर विराजमान यम उनकी हृदयेश्वरी देवी को बारंबार प्रणाम है, रत्न पद्मे शोभने तुम श्री कृष्ण की शोभा स्वरूपा हो, संपूर्ण संपत्ति की अधिष्ठात्री देवी यम महादेवी हो, तुम्हें मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, शस्य की अधिष्ठात्री देवी यम शस्य स्वरूपा हो, तुम्हें बारंबार नमस्कार है, बुद्धिस्वरूपा तथा बुद्धि प्रदा भगवती के लिए अनेकशः प्रणाम है, देवी तुम वैकुंठ में महालक्ष्मी क्षीर समुद्र में लक्ष्मी राजाओं के भवन में राजलक्ष्मी इंद्र के स्वर्ग में स्वर्ग लक्ष्मी गृहस्थों के घर में गृहलक्ष्मी प्रत्येक घर में गृहदेवता गो माता सुरभि एवं यज्ञ की पत्नी दक्षिणा के रूप में विराजमान रहती हो, तुम देवताओं की माता अदिति हो, कमला लय वासिनी कमला भी तुम ही हो, हव्य प्रदान करते समय स्वाहा और कव्य प्रदान करने के अवसर पर स्वधा का जो उच्चारण होता है वह तुम्हारा ही नाम है,
सबको धारण करने वाली विष्णु स्वरूपा पृथ्वी तुम ही हो। भगवान नारायण की उपासना में सदा तत्पर रहने वाली देवी तुम शुद्ध सत्व स्वरूपा हो। तुम में क्रोध और हिंसा के लिए किंचित मात्र भी अनस्थान नहीं है। तुम्हें वरदा, शारदा, शुभा, परमार्थदा तथा हरिदास प्रदा कहते हैं। तुम्हारे बिना सारा जगत भस्मीभूत एवं निःसार है। जीते जी ही मृतक है, शव के तुल्य है। तुम संपूर्ण प्राणियों की श्रेष्ठ माता हो। सब बांधव रूप में तुम्हारा ही पधारणा हुआ है। तुम्हारे बिना भाई भी भाई बंधुओं के लिए बात करने योग्य भी नहीं रहता है। जो तुमसे हीन है वह बंधुजनों से हीन है तथा जो तुमसे युक्त है वह बंधुजनों से भी युक्त है। तुम्हारी ही कृपा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार बचपन में दुदुहे बच्चों के लिए माता है, वैसे ही तुम अखिल जगत की जननी होकर सबकी सभी अभिलाषाएं पूर्ण किया करती हो। स्तनपायी बालक माता के न रहने पर भाग्यवश जी भी सकता है, परंतु तुम्हारे बिना कोई भी नहीं जी सकता, यह बिल्कुल निश्चित है। हे अंबिके, सदा प्रसन्न रहना तुम्हारा स्वाभाविक गुण है, अतः मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। सनातनी, मेरा राज्य शत्रुओं के हाथ में चला गया है, तुम्हारी कृपा से वह मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। हरिप्रिये, मुझे जब तक तुम्हारा दर्शन नहीं मिला था तभी तक मैं बंधुहीन, भिक्षुक तथा संपूर्ण संपत्तियों से शून्य था। सुरेश्वरी, अब तो मुझे राज्य दो, श्री दो, बल दो, कीर्ति दो, धन दो और यश भी प्रदान करो। हरिप्रिय, मनोवांछित वस्तुएं दो, बुद्धि दो, भोग दो, ज्ञान दो, धर्म दो तथा संपूर्ण अभिलाषित सौभाग्य दो। इसके सिवा मुझे प्रभाव, प्रताप, संपूर्ण अधिकार, युद्ध में विजय, पराक्रम तथा परम ऐश्वर्य की प्राप्ति भी कराओ। फलश्रुति, यह स्तोत्र महान पवित्र है। इसका त्रिकाल पाठ करने वाला बड़भागी पुरुष कुबेर के समान राजाधिराज हो सकता है। 500,000 जप करने पर मनुष्य के लिए यह स्तोत्र सिद्ध होता है। यदि इस सिद्ध स्तोत्र का कोई निरंतर 1 महीने तक पाठ करे तो वह महान सुखी एवं राजेंद्र हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराण में इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र संपूर्ण हुआ। ओम लक्ष्म्यै नमः। ओम श्री लक्ष्मी स्तोत्रम नमः। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। श्री विष्णु भगवान की जय।